आज मैं आप लोगों को एनपीओ से रिलेटेड कुछ स्पेशल आइटम के बारे में बताना चाह रहा हूँ और उसका लिस्ट मैंने बनाया है। आप भी देखिए और देख के इसे समझिए। नेम ऑफ द आइटम एंड ट्रीटमेंट। फर्स्ट आइटम, एंट्रेंस फी, रेवेन्यू रिसिप्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि ये रिसीव हो रहा है तो डेबिट में नहीं जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फी, कैपिटल रिसिप्ट है इसलिए बैलेंस शीट में जाएगा, लाइबिलिटी साइड। स्पेशल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। जनरल डोनेशन, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। स्पेसिफिक डोनेशन, कैपिटल रिसिप्ट होता है इसलिए ये बैलेंस शीट लाइबिलिटीज में जाएगा। लेगेसी, जनरल, अगर जनरल लेगेसी है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। लेगेसी अगर स्पेसिफिक है, उसमें स्पेसिफाई किया हुआ है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट होगा और ये बैलेंस शीट लाइबिलिटीज में जाएगा। सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, अगर आप किसी स्पोर्ट्स मटेरियल को सेल कर रहे हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका कॉस्ट और सेल प्राइस दिया है, तो कॉस्ट अगर सेल प्राइस से ज़्यादा है तो ये लॉस होगा और ये डेबिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगेन, सेल ऑफ यूज स्पोर्ट्स मटेरियल, इफ सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो ये आपका प्रॉफिट को इंडिकेट करता है, क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अमाउंट पेड फॉर न्यूज़पेपर, अगर न्यूज़पेपर परचेज करने के लिए अमाउंट पे करते हैं तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट में जाएगा। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ न्यूज़पेपर, रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर को जो बेचते हैं वो हर मंथ हम लोग बेचते हैं, इसलिए ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है इसलिए ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। अगर सब्सक्रिप्शन को बैलेंस शीट में शो करना है तो एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटीज होता है और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स होता है। तो ये 13 आइटम के अलावा एक आइटम मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, वो आप लोग सुन लो, वो है ऑनेरियम। ऑनेरियम एक तरह का रेमुनरेशन होता है जो किसी स्पेशल गेस्ट को हम लोग पे करते हैं, तो उस ऑनेरियम को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में डालते हैं, क्योंकि ये बिजनेस के लिए, ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरह का एक्सपेंस है। तो होप कि आप लोगों को ये 13 आइटम्स पसंद आएंगे और आप लोग इसका इस्तेमाल अपने सम्स बनाने में करेंगे। थैंक यू।